सो जय हिंद यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल पीजी एडमिशन 2022-23 में फोर्थ फेज 80% इंटेक कैटेगरी मेरिट लिस्ट आ गया है और थर्ड फेज 20% इंटेक कैटेगरी मेरिट लिस्ट आ गया है। हालांकि ये 15 अक्टूबर को ही मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया रात को, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए आज जो है मैं वीडियो बना के सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और जिसका भी इस लिस्ट में नाम आएगा, यानी फोर्थ फेज 80% इंटेक कैटेगरी में और थर्ड फेज 20% कैटेगरी में जिसका भी नाम आएगा वो कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं 16 तारीख यानी आज ही रात 11 बजे तक ऑनलाइन में एडमिशन फी पेमेंट करके उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आप लोग डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म फिलअप ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसका भी वीडियो है पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, एडमिशन फी से लेकर सारा कुछ डिटेल्स के साथ। उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे तो चैनल को ओपन जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा जो डिस्टेंस से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं। तो फिलहाल बात कर लेते हैं फोर्थ फेज 80% इंटेक कैटेगरी और थर्ड फेज 20% कैटेगरी। तो फोर्थ फेज में अगर आपका 80% इंटेक कैटेगरी कॉम्बाइंड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो यहाँ पे आपको फोर्थ फेज वाला सेक्शन में जाके यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट से अप्लाई किए थे उस सब्जेक्ट को चूज़ करके फिर शो लिस्ट पे जैसे जाएंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और आपका नाम फोर्थ फेज में आया कि नहीं वो चेकआउट कर लेना है। दोनों अलग अलग कैंपस का नाम एक ही लिस्ट में आता है, जैसे राजा राम मोहनपुर कैंपस का फर्स्ट दो कैंडिडेट का नाम आया फोर्थ फेज पे 78.60% जनरल, और उसके बाद नीचे आएंगे OBC बी का 78.30। ठीक है, और नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं जलपाइगुड़ी कैंपस का भी नाम आएगा, यहाँ पे थोड़ा कटअप नीचे रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके आपका नाम यहाँ पे चेकआउट जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा करके तो आप लोगों का आपका नाम चेकआउट कर लेना। और थर्ड अगर आप लोगों का नाम कॉम्बाइंड लिस्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले कॉम्बाइंड लिस्ट आप लोग चेक किए अच्छे से, बहुत सारे कैंडिडेट चेक नहीं करते फिर बोलते हैं मेरा नाम नहीं आया, हो सकता है आपका मिस हो जाए, इसलिए दोनों लिस्ट चेक कीजिए 80% और 20% के किस कॉम्बाइंड लिस्ट में आपका नाम है और कितने सीरियल नंबर पर है, उस आधार पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का एडमिशन होता है कि नहीं। अगर आपका 100 से 150 में सीरियल का आसपास नाम रहता है तो ज़्यादातर एडमिशन होने का चांसेस होता है, अगर 400 500 600 तक जाता है तो बहुत ही कम होता है एडमिशन का चांस। ठीक है, तो 20% और 80% दोनों का कॉम्बाइन लिस्ट चेक कीजिए, उसके बाद उस हिसाब से जिस लिस्ट में नाम होगा उसका जो है सेक्शन वाले में आके उस लिस्ट को चेक कीजिए, अभी फोर्थ पेज या थर्ड पेज जो पब्लिश हुआ है। और करने के बाद यहाँ पे अगर आपका नाम आता है कोई भी लिस्ट में तो आप लॉगिन वाला सेक्शन में जाके सारा डिटेल्स भरिए, और नेक्स्ट पेज करने के बाद लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद सारा डिटेल्स भरने के बाद आपका ऑनलाइन में फी पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI के माध्यम से करके आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, अभी हॉस्टल का जो बुकिंग वो भी चल रहा है, उसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा 19 अक्टूबर से, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल कंप्लीट में आपको मिल जाएगा, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, उसका भी बारे में आप लोग जानना जरूरी है जो कि कैंडिडेट दूर रहता है जिसको हॉस्टल चाहिए होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो ऐसा करके सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा, चैनल कंप्लीट में विजिट कीजिए, बहुत सारा वीडियो आपका काम लायक मिल जाएगा देखने को। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में, जैन फ्रेंड्स।